अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक इन अल यूसुफ अकेडमी। पिछले प्रीवियस हमने लेक्चर में जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देखी थी, फोर ब्रांचेस हमने जो है स्टडी की थी। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट दोज केमिकल कंपाउंड्स विच वी प्रिपेयर इन अ लार्ज स्केल, यानी कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम जो है वो डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, जो कि हमें लार्ज स्केल में जो है वो तैयार करना होता है, जिसको हम कमर्शियल पर्पस के तौर पे यूज़ करते हैं। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं हम, जो कि हमें लार्ज स्केल पे तैयार करना होता है, जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन हो गई, अमोनिया हो गई, एटीसी। ये हम लार्ज स्केल में जो है इंडस्ट्रीज़ में तैयार करते हैं। अमोनिया अमोनिया जो है फर्टिलाइज़र्स के तौर पे यूज़ होती है, कीमियाई खाद जिसे हम कहते हैं। ये हमारे जो है वो ज़राअत में हमें जो है वो हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन के तौर पे। इसके अलावा हम देखते हैं मुख्तलिफ सोप हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, सीमेंट, पेपर, मेडिसिंस, ये तमाम जो है चीज़ें हमें लार्ज स्केल पे जो है वो तैयार करनी होती हैं, जो कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में ही बनती है। हम उन तमाम केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस मीन्स के हम स्टडी करते हैं इसमें न्यूक्लियस की। व्यूअर्स, हम जानते हैं कि हमारा एटम जो है इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो शेल होते हैं। किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके इर्द गिर्द जो है शेल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसी न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियस में से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की जो है स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। रेडियो एक्टिविटी क्या है? कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, कुछ एटम्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, जिनके न्यूक्लियस में से कंटिन्यूसली जो है वो रेडिएशंस इमिट आउट होती हैं, इसकी जो है वो मिसाल हम ले लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मुसलसल जिसके अंदर से जो है वो रेडिएशंस निकलती हैं। ये रेडिएशंस जो हैं वो हमारे लिए बाज़ औक़ात फ़ायदेमंद भी होती है। बेनिफिशियल पर्पस इसका क्या है? बेनिफिशियल इसका पर्पस ये है, ये मेडिकल यूज़ में जो है हमें मेडिकल में यूज़ होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ होती है। जो ये रेडिएशंस हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट मींस के कैंसर होता है, कैंसर में जो है यूज़ होती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के तौर पर यूज़ होती है। रेडियोथेरेपी आपने नाम सुना होगा। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें जो है कैंसर्स का जो है वो रेडिएशंस के ज़रिए से जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। कैंसर में क्या होता है, सेल डिवीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल होती है, यानी कि कंट्रोल से बाहर जाती है, जिसको जो है वो रेडिएशंस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडीज़ करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियर प्रोसेस, जो भी हमारे न्यूक्लियर प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है वो इसका बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, इसमें भी यूज़ होता है। अब आ जाते हैं हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट में मौजूद जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। कंपोनेंट्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर। एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो है ये डिपेंड करता है
बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड करता है एबायोटिक कंपोनेंट्स पे। इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में इसके अलावा हम स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि इंसानों की जो माहौल पर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। हमारी जो है एक्टिविटीज़ क्या हैं, हमारी एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है। वाटर पॉल्यूशन हम सबसे पहले लेते हैं, वाटर पॉल्यूशन। मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ में हम जो कंपाउंड्स जो है हमारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो उसमें हमारा जो है कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो इंडस्ट्रीज से आउट होता है, जो कि हमारे वाटर को पॉल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी एक्वेटिक जो लाइफ है, हमारे फ़िश हो गए, हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है हमारी तमाम जो है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हम लेते हैं एयर पॉल्यूशन, सेकेंडली हमारी है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से क्या होता है, यही इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं जहरीली गैस है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, यही जहरीली गैस क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये जो है हमारी हवा में मौजूद ओजोन लेयर को तबाह करती है, ये हमारे जो है सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को जो है वो ओजोन गैस के साथ ओजोन लेयर के साथ जो है वो ये वो करती है, इसके साथ ज्वाइंट होती है और ओजोन लेयर को हमारे डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली जो है वो अर्थ पर आ रही हैं और जिसकी वजह से हमारे स्किन डैमेज होती है, स्किन कैंसर हो जाता है। तो सो हमारी एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ का इफ़ेक्ट्स जो है वो इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है, ये हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स पर किस तरह डिपेंड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। सो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जो है स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अगेन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम कमर्शियल पर्पज़ में केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जो है स्टडी करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमें बहुत लार्ज स्केल में जो है वो चाहिए होता है, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, मीथेन वगैरह, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है अमोनिया। इसके अलावा हम देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या है कि हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस की स्टडी करते हैं और रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी क्या है, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो हाईली अनस्टेबल कंडीशन में होते हैं, जिनके अंदर से कंटिन्यूसली जो है वो रेडिएशंस निकलती हैं। अब फॉर एग्जांपल यूरेनियम, इन रेडिएशंस का बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स, बेनिफिशियल पर्पस क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ होती है। कैंसर का एक ट्रीटमेंट है रेडियोथेरेपी। कैंसर के इस ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो कैंसर में सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है उसको हम जो है वो रेडिएशंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं और इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, हमारे इंसेक्ट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए। इसके अलावा जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर। तो बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मैंने आपको बताया कि वाटर पॉल्यूशन, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कॉन्टिमिनेटेड वाटर जो है वो हमारे पानी को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है डिस्ट्रॉय होती है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक जहरीली गैस है वो हमारी जो है वो हवा में तहलील हो जाती है और ये हमारे सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को जो है वो डायरेक्टली अर्थ पर लेकर आ रही है, जो कि ओजोन लेयर इसकी जो है प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन ओजोन लेयर के साथ ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में जो है वो शगाफ पड़ जाता है और अर्थ पर इसकी वजह से स्किन कैंसर, स्किन डिजीज़ वगैरह जो है हो रही हैं। ओके व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।